जब से ध्रुव राठी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वीडियो लाया है, मुझे ढेर सारे सजेशंस आ रहे हैं कि उसके रिप्लाई में और भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं तो उस पर रिएक्ट करना। ओके, तो अब मेरे को सजेशन आया था ओपन चैलेंज टू ध्रुव राठी, इतना झूठ क्यों। तो ये एक्चुअली और भी फैक्ट्स मुझे देखने में मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने बहुत से बार कहा है, मुझे वो इतने दिनों से वीडियो बना रहे थे, लेट इट बी अबाउट बीजेपी वगैरह, मुझे उससे कोई ना, मैंने कभी उस पर वीडियो बनाया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आई तब वीडियो बनता है, बिकॉज वो हमारी प्राइड है। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मनाली नायको, वेलकम टू माई चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। ध्रुव राठी और उसके चाले चपेटों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ओपन चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो मैं प्रमाण दे रहा हूं, जिसके ऊपर मैं तथ्य की बात कर रहा हूं, उस तथ्य को अगर आप झुटलाकर बताते हो तो मैं अपना YouTube चैनल के साथ ही साथ अपने धर्म कार्यों को पूर्ण तरह से रोक दूंगा। लेकिन अगर ध्रुव राठी के बताए गए प्रमाण को मैं गलत साबित करता हूं तो एक बार अपने पिता श्री ध्रुव राठी को जाकर अवश्य कहे कि एक बार आशुतोष झा के साथ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और मुसलमान प्रेम के ऊपर एक बार बस डिबेट करके दिखा दे। नमस्कार साथियों, जय सनातन, स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां बात करने वाले सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज का वीडियो जो ध्रुव राठी ने बनाया है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, जिसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर और तथ्यहीन तरीके से आपको बताया है, उसका बराबर से हिसाब करने के लिए, तो अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को पूर्ण देखिए, नहीं तो आप तो अपना बाप ध्रुव राठी को मान ही चुके। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। मंद बुद्धि लोगों की सबसे बड़ी खामी यही होती है कि उन्हें लगता है कि जो चीज हम बता रहे हैं वही सत्य है, बाकी लोग जो भी कहते हैं वो तो तथ्यहीन होता है। ध्रुव राठी को अगर आप इतिहासकार समझते हैं या इतिहास का अभ्यासक समझते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल यही है, क्योंकि उसका स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और है। इस व्यक्ति ने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जमीनी स्तर पर आकर के कभी किसी गढ़किले के ऊपर जाकर देखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड के अंदर जो पत्थरों के ऊपर शिलालेख लिखा करते थे, उस शिलालेख का अर्थ क्या होता है, क्या इसे फारसी भाषा आती है, क्या इसे मोड़ी लिपि आती है, क्या इसे समझ में आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पत्र द्वार जो लिखे जाते थे उस पत्र का उल्लेख किस प्रकार से किया जाता था। और इसी ही मंद बुद्धि ने अपने मंद बुद्धि का उपयोग करते हुए आप लोग को यह बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताश्री है और उनके चाचाश्री है, यानी कि शाहजी और शरीफ जी राजे, इनका नाम मालोजी राजे ने मुसलमान सूफी संतों के ऊपर रखा है। इससे बड़ी हास्यास्पद क्या हो सकती है, और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की रिस्पेक्ट किया करते। ध्रुव राठी ने आपको ये जो बात बताई है, ये बात आती है 91 कलमी बखर के अनुसार, जिसे इतिहास के अंदर में प्रमाणित नहीं माना गया है। 91 कलम बखर को अगर ये प्रमाणित मांगकर आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा नामकरण किया गया था, तो 91 कलमी बखर के अंदर ये भी लिखा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान को मार दिया गया था तो स्पष्ट रूप से मराठी में अफजल खानाचा गांडी मंदे लोखंडाचा सड़ा टाकून छत्रपति शिवाजी महाराज ने त्याला सरळ केला होता। हिंदी अनुवाद के अनुसार ये होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान का वध किया था तो उसके पिछवाड़े में लोहे की सरिया डालकर उसे सीधा कर दिया गया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते तो थे भाई, सीधे लोहे की सरिया डालकर। अगर 91 कलमी बखर को आप ये प्रमाणित मानते हो तो आपको ये भी प्रमाणित मानना ही पड़ेगा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर आप ये झूठी बात बताते हो कि मुसलमानों की रिस्पेक्ट करना, हम केवल मुसलमानों की नहीं, हम क्रिश्चियनों की भी रिस्पेक्ट करते थे, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो या छोटे बच्चे हो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्पष्ट रूप से यही कहना था कि अगर मुगलों का वैसा व्यापार है, मुगलों की वैसी सारी रक्षा करने की बात है, मुगल अगर हमारे स्त्रियों के साथ ऐसा करते हैं और हम भी वैसा ही करते हैं तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मुसलमानों की नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज समस्त मानव जाति की भी सेवा और उनका आदर करते थे। यही बात छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास का मूल सिद्धांत है। मैंने स्टार्टिंग में ही ध्रुव राठी को मंद बुद्धि कहा था, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण उसने अपने बातों से ही कह दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज था उसका पाया क्या था, उसका बेस क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने सबसे पहले यही बात तो उन्हें सिखाई थी कि किसी भी स्त्री को, फिर चाहे वो शत्रु की भी स्त्री क्यों ना हो, उसकी रक्षा करना ही स्वराज का पहला सिद्धांत होगा। और जब ऐसा सिद्धांत अपने स्वराज में आएगा शुभा, तभी राम राज्य आएगा। और इसी राम राज्य की प्रस्थापना करने के लिए जब शत्रु की बच्ची को पकड़ कर लाया गया था, यानी कि महिला को लाया गया था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्त्री को माँ कहकर संबोधित किया। और इसी बात को, इसी घटना को श्लोक में वर्णित करते हुए हमारे गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी कहते हैं, जरी शत्रु कांता प्रसंगी दिसेल, तिला साड़ी चोड़ी निशी पाठवी, सपने स्पर्शे मनाला, मराठा मनावे अशा वागराला। अर्थात शत्रु की बहन बेटी कोई भी हमें दिख जाती है तो उसके बारे में गलत विचार हमारे स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, और जिसके मन में ऐसा विचार नहीं आता है वही छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा वीर मराठा होता है। इसे ही इतिहास में राम राज्य कहा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इसी के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है, जाना जाता है। लेकिन अगर इसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते थे तो एक घटना और दो घटना, तीन घटना, चार घटना मेरे पास
इतिहास भी है। चलिए आपको बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की कितनी रिस्पेक्ट किया करते थे। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो के माध्यम से ये बताने का अड़िग प्रयत्न किया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमानों का समावेश था। सबसे बड़ा मंदबुद्धि वाला यही प्रश्न आता है कि जिस सेना का उल्लेख आज भी मिलता है, अर्थात जिस सेना ने तब लड़ाई लड़ी थी, उनके वंशज जो आज भी जीवित है, इक्का दुक्का मुसलमानों के वंशज जो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से लड़े हो, उनके प्रमाण या उनके वंशज आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। भाई मैं बचपन से महाराष्ट्र में रह चुका हूँ, उन सभी वंशजों से मिल चुका हूँ। तुमने अपने वीडियो के माध्यम से यह कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में उनके सेना प्रमुख मुसलमान थे, इसका जीता जागता उदाहरण मेरा ये रील देख लो जरा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सेनापति था वो मुसलमान था। 1640 से लेकर 1657 तक मानव जी दहा तोंडे, 1657 से लेकर 1665 तक नेतोजी पालकर, 1665 से लेकर 1674 तक प्रताप राव गुजर, और 1674 से लेकर 1680 तक जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन नहीं हो गया तब तक हम्बीराम मोहिते स्वराज के सर सेनापति थे। तो मुसलमान सर सेनापति कहाँ गए थे? अब वो आदमी की अम्मा की बारात में नाचने। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बॉडीगार्ड था वो मुसलमान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल 10 अंगरक्षक थे। यशाजी कंक, कोंडाजी कंक, यशाजी मुरुडबाग, सुरजी कटके, जीवा महाले, संभाजी काऊजी कोंढाळकर, संभाजी करवर, कृष्णाजी गायकवाड़, कटाजी इंगड़े और सिद्धि इब्राहिम। सिद्धि इब्राहिम को लेकर तुम लोग इतना चलते हो ना, सिद्धि इब्राहिम ये खेड़ोजी भोसले का क्रीत पुत्र था। क्रीत पुत्र का अर्थ होता है खरीदा हुआ गुलाम। उसे जैसी आज्ञा दी जाती है वैसा ही करेगा, हर हर महादेव की गर्जना सुनेगा और मुसलमानों पे आक्रमण भी करेगा। और तुम्हें अगर सिद्धि इब्राहिम पर इतना ही ज्यादा गर्व है तो हम भी तुम्हें अपने क्रीत पुत्र मानने के लिए तैयार है, अगर औकात है तो। वकील मुसलमान था रखते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब अपने हिंदू वकीलों को भेजा करते थे तो कई बार आपके मुगलिया चोर हमारे हिंदू वकीलों की गर्दन काटकर भेज देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बुद्धि का उपयोग किया और मुसलमान को वकील रखा, और जब भी किसी मुसलिया सल्तनत को भेजना पड़ता था तो अपने वकील को भेजते थे जो कि मुसलमान है। अब आए ना आए, कट जाए फट जाए, फर्क क्या पड़ता है। ज्यादा अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति इतनी भावनाएं जागृत हो रही है ना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का अंतिम प्रण था काशी के विश्वेश्वर को मुक्त कराने का। अब तू बता, ज्ञान व्यापी से सटा हुआ मस्जिद को तोड़ने के लिए हथौड़ा तू उठाएगा या मैं लाके दूं? छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की इतनी रिस्पेक्ट किया करते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने रमजान के पवित्र महीने में शाइस्ता खान के ऊपर सवारी करके उसके 3 उंगलियां काट दी। छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की इतनी रिस्पेक्ट करते थे कि कल्याण भिवंडी के मस्जिदों को उन्होंने तोड़ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों की इतनी रिस्पेक्ट किया करते थे कि हमारे हिंदू भाइयों को जिनको मुसलमान बना दिया गया था उन्हें वापस हिंदू बनाने का सबसे पहला कार्य भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही किया था, जिसका जीता जागता उदाहरण है नेतोजी पालकर। एक बार जाकर अवश्य देख लेना, क्या हिंदू और क्या मुसलमान। अगर हमारे हिंदू को मुसलमान भी बना दिया गया हो तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नेतोजी पालकर को जब मुसलमान बना दिया गया था तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनः एक बार उन्हें अपने धर्म में लिया और स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ऐसे ही एक एक हिंदू को मुसलमान बना दिया जाएगा तो आने वाला समय हमारी सुन्नत होगी। इसीलिए कविराज भूषण भी स्पष्ट रूप से करते हैं कि काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद बनती और छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो सुन्नत होत सबकी। अब सुन्नत होना क्या होता है? सुन्नत होना होता है कि आपका जो है उसे काट दिया जाए, जिसे कहा जाता है मुसलमान होने की पहली प्रक्रिया। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोवा के अंदर जब ये पुर्तगाली आए थे और उन्होंने ये बात कही, फरमान निकाला कि यहाँ के हिंदुओं को एक ही उपाय बता हुआ है कि या तो तुम क्रिश्चियन बन जाओ या तो गोवा छोड़कर भाग जाओ। और जब हम लोगों ने गोवा छोड़कर भागने से इनकार कर दिया था तो हमारे हिंदुओं को वहां पर काट काट कर फेंक दिया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर जाते हैं, 4 क्रिश्चियन पादरियों की गर्दन को काट दिया जाता है। जो चर्च हमारे मंदिर को तोड़कर बनाया जाता है उसी चर्च को पुनः तोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनः शिवजी का मंदिर स्थापित किया था। एक बार गोवा जाओगे तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंग रेलिया मनाने से अच्छा है एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र अर्थात धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज स्पष्ट रूप से हरकोलन के यहाँ पर लिख कर रखा है शिलालेख के अंदर कि ये राज्य अब हिंदू राज्य हो चुका है। ये रहा इसका प्रमाण। ध्रुव राठी ने सबसे घिनौना झूठ ये बोला कि अफजल खान का वध करने के लिए एक मुसलमान ने उनका सहयोग किया था। अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अफजल खान का पेट फाड़ने के लिए व्याघ्रनख का उपयोग किया था वो व्याघ्रनख देने वाला रुस्तमे जमाल था। साफ झूठ। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपना स्वयं का शस्त्र भंडार था। छत्रपति शिवाजी महाराज उस कालखंड के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सभी मावड़ों की ऊंची को, उनके वजन को, सभी को निर्धारित करते हुए अपना स्वयं का शस्त्र भंडार निर्माण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहाज का भी आलेख बनाया था और उस समय में छत्रपति शिवाजी महाराज की उतनी कलाकृति थी कि वो स्वयं ही अपने शस्त्र का निर्माण किया करते थे। और जहां तक बात रुस्तमे जमाल की आती है तो इसने आपको ये नहीं बताया कि अफजल खान के वध के पश्चात यही रुस्तमे जमाल एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आक्रमण करने क्यों आता है, ये बताने
में मुंह झड़ रही थी या जीभ कट गई थी राठी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने वाला हेनरी रेविंगटन ने 13 फरवरी 1660 को छत्रपति शिवाजी महाराज को पत्र लिखा था। इस पत्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उल्लेख द जनरल ऑफ हिंदू फोर्सेस कहा गया था, यानी कि हिंदू सेना के सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन ध्रुव राठी की वीडियो के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का तो हिंदुओं से कोई लेना देना था ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो लड़ रहे थे उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उस समय में इस गधे के अनुसार बीजेपी पार्टी नहीं थी। कोई व्यक्ति किसी पार्टी के लिए कितनी नफरत ले सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण इस आदमी के वीडियो को देखने के बाद पता चलता है। ये कहीं का भी ग्राफ कहीं पर भी जोड़कर आपको ये बताने का प्रयास कर रहा है कि तुम बीजेपी को वोट मत करो। लेकिन इस गधे की सुलगने वाली है 4 जून को, उसको रिजल्ट पता ही चल जाएगा। लेकिन इसने बड़े ही चालाकी के साथ आपको ये बता दिया किस प्रकार से औरंगजेब की सेना में, अकबर की सेना में राजपूत भी थे, मराठा भी थे, ठीक उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान भी थे। ये बात मैं यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिख देता हूँ कि एक स्थानिक कालखंड के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमानों को किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर कभी नहीं रखा गया था, और जब जब रखा गया तब तब केवल उनसे काम निकलवा कर वापस उन्हें भेज दिया गया था, या फिर उन्हें पगारी स्वरूप पर रखा गया और वो पगारी स्वरूप पर रहकर बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में ही जाकर लड़े थे, फिर चाहे दरिया सारंग हो या फिर दौलत खान हो। आप जाकर इतिहास के किताबों को उठाकर देखिए, आप अगर कहते हैं कि व्याकुल बाबा के पास जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ब्लेसिंग लेते हैं, तो एक बार भाई तू महाराष्ट्र में आकर ये बात बोल दे कि व्याकुल बाबा के पास जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ब्लेसिंग लेते थे। यहाँ का छोटा छोटा बच्चा तेरे मुंह पे ऐसा तमाचा मारेगा कि तुझे याद आ जाएगा कि धर्मा साके झुंझावे झुंझोनी औग्यासी मारावे मारिता मारिता घ्यावे राज्य अपुले देश द्रोही तित के कुत्ते मारोनी घालावे परते देवदास पावती फत्ते यदर्थी संशयो नाही देव मस्तकी धरावा अवगा हल्लकल्लोल करावा मुलुक बड़वावा की बुड़वावा धर्म संस्थापने साठी ये सिखाने वाले समर्थ रामदास स्वामी संत तुकाराम महाराज ये उनके गुरु थे। अगर तुम ये बात महाराष्ट्र में आकर गलती से कह देते उसके बाद तुम्हारा क्या होता, ये ध्रुव राठी कितना बड़ा दुबला, इसका जीता जागता उदाहरण है कि जब भी कोई इतिहास के प्रमाणित स्वरूप पर वो बात करता है तो उसके वीडियो को सादे वो कॉपीराइट स्ट्राइक मारता है या फिर उसके वीडियो को हाइड कर देता है। ध्रुव राठी और उनके चेले चपेटों का ये पहले से ये टारगेट रहा है कि औरंगजेब को एक प्रजावत्सल्य राजा की तरह पेश करना और छत्रपति शिवाजी महाराज को पूरी तरह से सेक्युलर राजा प्रमाणित करना, लेकिन ये प्रमाणित नहीं होगा। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने कितना क्रूर तरीके से कार्य किए ये इतिहास अच्छे तरीके से समझ चुका है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को समझने के लिए एक बार सिर्फ एक बार तुम धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का इतिहास वीडियो अपने माध्यम से बताकर दिखा दो, या फिर गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चों के साथ उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने कैसे उनकी क्रूरता के साथ हत्या की थी, एक बार वीडियो के अंदर उल्लेख करके बता ही दो। लेकिन ये नहीं करेगा, नहीं बताएगा कि आपको कि धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने अपने पिता उनका उल्लेख म्लेच्छ क्षय दीक्षित करते हुए कहा था कि जिसने म्लेच्छों को मारने की दीक्षा ली हो गौ ब्राह्मण प्रतिपालक नाम से उल्लेख किया हो। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के कार्यकाल के अंदर किसी मुसलमान ने गाय काट कर उसका खाने का रुचि दिखाया था तो धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने उस गाय काटने वाले कसाई को ही मार दिया था। इतना ही नहीं, ये बात भी प्रमाणित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कालखंड के अंदर जब मंदिरों के अंदर गाय काट कर फेंक दिया जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसे को तैसा उत्तर देते हुए मस्जिद के अंदर सूअर के गर्दन को काट कर फेंक दिया था। ये बात इतिहास में प्रमाणित स्वरूप से लिखा गया है, और अगर ये बात हम कहते हैं तो कहते हैं झूठ इतिहास है, तो झूठला कर बताओ। हम प्रमाण देने के लिए तैयार है, आकर मेरे साथ डिबेट कर लो। तुमने बड़े चालाकी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास में मुसलमानों को घुसेड़ा, तुमने गोविंद पानसरे जैसे लोगों के इतिहास किताबों का वर्णन देते हुए कहा कि शिवाजी कौन था और शिवाजी शिवाजी करते हुए उसने किताब पूरी लिख डाली है। उस किताब के अंदर आपको पूर्ण रूप से केवल यही दिखेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज वर्सेस ब्राह्मण, मराठा वर्सेस ब्राह्मण, केवल और केवल ब्राह्मणों की नफरत करने वाली वो किताब है। एक बार जाकर आप अवश्य पढ़ सकते हैं, लेकिन इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी हिस्टोरियंस इसने बताया सभी के सभी लेफ्टिस्ट है, और इन सब ने राम मंदिर के विरोध में बात की है, हिंदू मंदिरों के विरोध में बात किया। इन्होंने बार बार बताया है कि हिंदू कितना ज्यादा नीचे है और हिंदू किस प्रकार से लोगों पर अत्याचार करते हैं, खास करके ब्राह्मण समाज। तो इनका मेन टारगेट यही था और इसके वीडियो का मूल उद्देश्य भी यही था कि ये सारी चीजें करने के बाद औरंगजेब की तुलना नरेंद्र मोदी से कर दी जाए, ताकि लोगों के दिमाग में हम ये डाल सके कि औरंगजेब और नरेंद्र मोदी कितना सिमिलर है, और यही इसने किया। और एंड में कह दिया कि जाकर वोट करो। इतना बड़ा दोगला मैंने आज तक नहीं देखा था। हिस्ट्री की बात को हटाते हुए ये तो जानते ही है कि हिस्ट्री किस प्रकार से इसने तोड़ मरोड़ कर सारे लेफ्टिस्ट के नाम आपके सामने रखे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही साई जे दीपक का इंटरव्यू को कोट करते हुए जब साई जे दीपक से रणवीर अलाहाबादिया ने क्वेश्चन किया था कि 3 लोगों को भारत देश छोड़ देना चाहिए, तो 3 लोगों का नाम लिया गया था, बरकदर, रोमिला थापर और इरफान हबीब। अब इन 3 लोगों को कितने अच्छे से व्हाइट वॉश किया गया हो, जैसे कि इसकी अम्मा और बाप और दादा हो। कुछ इस प्रकार से कहा गया, बरकदर वो तो जर्नलिस्ट है, उसने तो कुछ किया ही नहीं, उससे क्यों भारत
छोड़ना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल खेलने वाली बरखा दत्त थी, लोगों के जान को खतरे में डालने वाली बरखा दत्त थी, कारगिल युद्ध को लाइव दिखाने वाली बरखा दत्त थी। 26/11 के हमलों को कुछ प्रकार से उसने जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की थी, उस रिपोर्टिंग का फायदा आतंकवादी उठा रहे थे और उसे उठाया जा रहा था। उसका कारण था बरखा दत्त की लाइव रिपोर्टिंग। ये थी आपकी बरखा दत्त। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लो, सारी न्यूज आपके सामने आ जाएगी। इरफान हबीब, रोमिला थापर, एक से एक हिंदू घृणा इनके मन में भरा पड़ा है। एक से एक हिंदू विरोधी स्टेटमेंट्स आप इनके सुन सकते हैं। राम मंदिर के विरोध में इनके स्टेटमेंट्स जाकर सुनिए, आप इतना ज्यादा तिलमिला उठेंगे कि समझ नहीं आएगा कि क्या से क्या कर दिया जाए। लेकिन इनके तरीके में ये सभी कौन है? हिस्टोरियंस है। ये सभी के सभी महान इतिहासकार है। लेफ्टिस्ट को अपना बाप मानने वाले और मुसलमानों को प्रेस करने वाले, मुगलों को अपना बाप समझने वाले लोग सदैव इस बात से चिढ़ते हैं कि हिंदू साम्राज्य कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास कहता है, हे राज्य भावे ये तो श्रींचिच्छा, श्री यानी कि आपके और हमारे घर की हमारी आई तुलजा भवानी। इसीलिए इनके बातों को समझने से अच्छा है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को समझना है तो एक बार आप लोग महाराज के अंदर आइए और मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के उन गढ़ किलों को देखिए और शिलालेख को पढ़िए। ना इसे मोड़ दी जाती है, ना इसका इतिहास का कोई लेना देना नहीं है। इसका छोटा भाई 20,000 रुपए लेकर स्क्रिप्ट लिख देता है और ये आपके सामने आकर बकवास करता है। और आपको लगता है कि ध्रुव राठी ने बोला है तो सच ही बोला होगा। एक बार अगर आपके बाप का रक्त शुद्ध है और आपकी माता चरित्रवान है तो एक बार हमसे आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय पर डिबेट करके दिखा दो। ध्रुव राठी अपना मानसिक संतुलन पूर्णता से खो बैठा है, इसीलिए हर बात में उसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही नजर आती है। उठते जागते सोते खाते पीते हर वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ भयानक स्वरूप से नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं। इसलिए अगर आप लोग उसके पुराने वीडियोस जाकर देखोगे तो हर बात में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी या फिर योगी बाबा नजर आते हैं। जिसने बीजेपी के अगेंस्ट में वीडियोस बनाकर ही अपना पूरा का पूरा करियर बनाया हो, जिसने बार बार इसी बात को कवर किया हो कि हिंदू पूरी तरह से घृणित हो चुका है और बार बार लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कहने वाला स्वयं जब अपने व्हाट्सएप ग्रुप का शेयर करने की बात कहता है और कहता है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को शामिल हो जाओ, तब इससे बड़ा मूर्ख प्राणी मैंने आज तक नहीं देखा है। थोड़ा सा अपने बुद्धि का उपयोग करो, इतिहास किताबों के पन्नों से नहीं, इतिहास पत्थरों के ऊपर लिखे गए नाखूनों से कोरे हुए उस शिलालेख से समझा जाता है जिसे पढ़ने के लिए जीवन को समर्पित कर दिया होता है। और जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ये उन सभी व्यक्तियों के लिस्ट है, इन सभी व्यक्तियों के नाम है। मैं इसे पिन भी कर दूंगा, जाकर आप उन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे कार्य को सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके उतना ज्यादा समर्थन करिए, क्योंकि वीडियोस कम बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो बार बार बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। मुझे जहां जगह मिलता है मैं जाकर बना लेता हूं, लेकिन आपसे अनुरोध है, आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धर्म सभा कभी नहीं रुकने वाली और ना ही हम रुकने देंगे। अगली धर्म सभा हमारी 10 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को आप लोग महाराष्ट्र में आइए और हमारे धर्म सभा में शामिल होइए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। देखो, मैंने जैसे पहले ही कहा था कि बीजेपी से रिलेटेड चाहे जितने वीडियो हो जाए, मैंने उसके बारे में कभी बात नहीं की, क्योंकि ये पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, आई डोंट गो इनटू इट बहुत ज्यादा, एंड मेरे को उसके बारे में बात करने की बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। जब बात छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आई, तब मैंने इस टॉपिक को टॉपिक में इंटरेस्ट लिया। ओके, अगर आपको बात करनी है तो पूरा पूरा डिटेल में बात करो, जैसे कि छत्रपति संभाजी महाराज उनके आखिरी दिन कैसे गए, उनको कहा गया था या तो कन्वर्ट हो जा या तो मर जा, उनके नाखूने निकाले गए, उनकी स्किन छीली गई, उनकी आंखों में सलिया डाल दिया, फिर भी वो हार नहीं माने, एंड तक वो कन्वर्ट नहीं होते हुए उन्होंने उसको फिर काट के मार दिया। ओके, तो अगर कुछ था ही नहीं तब उस टाइम पे, तो फिर क्यों ये सारी चीजें हुई, क्यों ये कन्वर्ट हो जाए या तो फिर ऐसे कर देंगे तेरे को, वैसे कर देंगे, क्यों जजिया टैक्स एंड एवरीथिंग। ओके, आज हम लोग सब इकट्ठा रहते हैं, मैं तो सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, ये मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली पर्सनली बहुत पीस बहुत पसंद है। बट फ्रॉम द अदर साइड, लाइक सबको मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको पता है कि इन पर्टिकुलर लोगों को राम मंदिर से खुशी मिल सकती है, प्रभु श्री राम की रिस्पेक्ट जब ये करते हैं इनको खुशियां मिलती है, तो उसके अगेंस्ट हम क्यों बात करें, या जो कुछ भी चीजें हो इनको उस चीज से खुशी मिलती है, तो चलो हम इनकी ये चीजों को छेड़छाड़ नहीं करते। छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी प्राइड है, तो हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इनको कुछ गलत नहीं बोलेंगे। तो फिर आप हमको प्यार दो, हम भी आपको प्यार दे रहे हैं, एंड देन यहीं पर किस्सा खत्म हो जाता है। जब मैंने लास्ट वीडियो पे रिया किया था अबाउट ध्रुव राठी, इतने लोग जहर उगल रहे थे अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, आई डिड नॉट फील गुड, क्योंकि मैं तो प्यार की बात कर रही हूँ ना। अरे आपको क्या लगता है, मेरे पड़ोस में ही सारे धर्म के लोग इतने अच्छे से आवाज देने पे सब लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं, या फिर चाहे फ्रेंड्स की बात कर लो मैं, क्योंकि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके रहते हैं यहाँ पे लोग। वैसे ही
ही मैं सोचती हूँ कि हर जगह पे अगर ऐसे हो, सब लोग यही करने लगे हम बहुत सही थे, तुम ही लोग ऐसे थे, तुम लोगों का क्या था, तुम लोग ध्रुव बोल रहे हैं मतलब तुम तो ऐसे ही थे, ध्रुव राठी बोल रहे हैं मतलब ये ऐसा ही था, तुम लोग गलत है, ये है वो है करके, नहीं क्या ऐसा व्हाट द हेल। पहले ही इंडिया कितना वास्ट था आप लोग जानते होंगे, उसके टुकड़े किसके लिए हुए थे ये भी आप लोग जानते होंगे, इसमें भी आप लोगों को हम लोगों से ही प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर कैसे होगा। प्यार से रहो, पीसफुली रहो, आप रिस्पेक्ट दो, हम रिस्पेक्ट दे रहे, बात यही पे खत्म हो जाती है अकॉर्डिंग टू मी। अभी मैं बहुत ही अलग सोच विचार की हूँ, शायद मुझे उतना स्ट्रांगली बोलने नहीं आता है या मैं बहुत प्यार से बातें करती हूँ तो माइट भी लोग मुझे थोड़ा सा गलत ले लेते हैं एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो। बट अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, अबाउट मतलब जिस चीज को हम इतना प्यार करते हैं उस चीज के बारे में हम नहीं सुन सकते उसके अगेंस्ट, और उस हिस्ट्री के अगेंस्ट जब तोड़ मरोड़ किया जाता है वो सहा नहीं जाता गाइस, मतलब लिटरली नहीं सहा जाता। एंड आपका प्राइड को भी हम क्या कुछ बोल रहे हैं, आपका प्राइड आपके पास, बट हमारे प्राइड के साथ नहीं खिलवाड़ करो प्लीज। तो ये था मेरा रिएक्शन, आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले चा बाय।